हमारी पृथ्वी अब पहले जैसी नहीं है। यहाँ ना कोई जन्म ले रहा है और ना ही किसी की मृत्यु हो रही, बल्कि अब यहाँ लोगों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है, चाहे वो हमारी पृथ्वी हो, कोई जीव हो, हम खुद हो या हमारे गैजेट्स, सभी में इवोल्यूशन हुआ है। आज से 2 बिलियन साल पहले जैसी धरती थी, आज वैसी नहीं है। आपने वोडाफोन डॉग को देखा होगा, इनफैक्ट ये भी पहले ऐसा नहीं था। हम पहले कैसे थे और आज हम नए आविष्कार और खोज करके कितने ज्यादा विकसित हुए हैं, और कुछ ऐसा ही अब हमारी टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। साल 2069, जिसके बारे में हमें मार्टिन रीस, स्टीफन हॉकिंग और इलॉन मस्क ने चेतावनी दी थी, अब वो हकीकत है। कंप्यूटर्स को हमने सिर्फ कैलकुलेशंस के लिए बनाया था, पर अब उन्होंने हम पर कब्जा कर लिया है और वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनके सामने हम सब शून्य हैं। क्योंकि सदियों से बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के कारण हम अपने ब्रेन का एक्सरसाइज करना भूल चुके हैं। अब कोई मन में और हाथों में कैलकुलेट नहीं करता, ना कोई लोकेशंस को याद रखता है। हमने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन्हें बनाया था, पर इन्हें दिमाग देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम टेक्नोलॉजी पर इतने निर्भर हो गए कि इसने अब हमें मेंटली पैरालाइज्ड कर दिया है, और सिर्फ एक साल के अंदर जो बचे हुए इंसान अभी जिंदा हैं, वो भी मारे जाएंगे। थैंक गॉड ये सिर्फ सपना था, पर क्या ऐसा कुछ होना मुमकिन है? क्या हमारे और सुपर इंटेलिजेंस के बीच जंग हो सकती है? इनके इतने इंटेलिजेंट होने के बाद क्या हम जीवित रह पाएंगे? क्या सुपर इंटेलिजेंस का होना मानव जाति का अंत होगा? और क्या होगा अगर हमने सुपर इंटेलिजेंस बना दिया? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवदी बालक। सुपर इंटेलिजेंस, जिसका सीधा सा अर्थ यही है कि ऐसी समझ जिसका कोई मुकाबला ना हो, ऐसी चीज जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम्स और सीखने की समझ किसी भी गॉड गिफ्टेड ह्यूमन माइंड से भी 1000 गुना ज्यादा हो, ऐसी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद से सीख सके जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी सीखता है। इन जनरल जिस तरह हम पढ़कर, गलतियां करके और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके सीखते हैं, उसी तरह दुनिया की हर दिमाग वाले जीव सीखते हैं। किसी डॉग को भी हैंडशेक करना, चोरों को पकड़ना और ऐसी कई चीजें सिखानी पड़ती है। इनफैक्ट किसी पैरट को भी कैसे बोला जाता है ये सिखाया जाता है। उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है ये सिखाया जाता है। और जब कोई AI खुद से सीख सके, अपग्रेड कर पाए और बाकी टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए, तो वो सुपर इंटेलिजेंस होता है। पर एक सुपर इंटेलिजेंस और किसी लिविंग बींग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जहाँ किसी लिविंग बींग के पास हर्ट है, अच्छे बुरे की फर्क है और एक लर्निंग कैपेसिटी होती है, सुपर इंटेलिजेंस में कोई हर्ट नहीं है और ना ही कोई सीखने की लिमिट है। आप इसमें जितना ज्यादा डाटा फीड करोगे, ये उतना ही प्रो होता जाएगा। रूम क्लीनिंग से लेकर गन चलाने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी कर सकते हैं। ये हमसे कहीं गुना ज्यादा तेजी से सोच सकते हैं, और जो चीज इन्हें सिखाया जाए ये उसमें महारत हासिल करते हैं। जब इनमें इतनी ज्यादा ब्रेन होगी तो हम जैसे आलसी लोगों की क्या जरूरत होगी? देखो, हम इनके बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि ये किसी भी प्रोग्राम को मिनटों में सीख लेंगे। ये ऐसी टेक्नोलॉजी को मिनटों में बना देंगे जिन्हें हमने कभी सोची भी नहीं थी। अभी एक AI बन रही है जो बीटा वर्जन में है। ये आपके कमांड देने के साथ आपके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बना देगा। इसका नाम GPT-3 है। पहले आपको एप्स बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ती थी, कई चीजें डिसाइड करनी पड़ती थी, लेआउट सेट करना पड़ता था, पर इस न्यू AI के थ्रू आपको कोडिंग करने की या स्क्रैच से किसी एप्लीकेशन को बनाने की जरूरत नहीं होगी। इफ यू वॉन्ट टू मेक समथिंग, जस्ट टेल दैट GPT-3 कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन चाहिए, और कुछ ही देर में ये आपके लिए ऐसा कर देगा। हाउ कूल इज दैट? और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जितने भी AI हम देखते हैं, लाइक सिरी, एलेक्सा, कोर्टाना, ये सब अभी स्टार्टिंग फेज में है, और अभी के अकॉर्डिंग ये काफी एडवांस है। हमारी सुबह होने से लेकर सोने तक ये AI हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। इनकी वजह से हमें इतना कुछ मिला है कि उस पर एक डिफरेंट वीडियो बन सकती है। अपने समझ से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है और ऐसी मशीन्स बनाए हैं जो किसी निर्धारित काम को हमसे कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव वे में कर पाते हैं। पर जैसे जैसे हम AI को इम्प्रूव करेंगे, एक टाइम के बाद ये इतने तेज हो जाएंगे कि बिना हमारे मदद के ये खुद को ऑपरेट कर ले। सोफिया नाम की एक AI भी खुद से चीजों को सीखने में कैपेबल है। ये इंसानों की ही तरह 50 फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने में भी कैपेबल है। और तो और, इसे मिडल ईस्ट की एक कंट्री की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है, और ये सभी इसके इतने इंटेलिजेंट होने के कारण हुआ है। पर अगर हम सब इसी स्पीड से बढ़ते रहें तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि इन्हें फिर हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी डिसीजन लेने के लिए और जैसा चाहे वैसा करने के लिए आजाद होगा, तो ये अपने आप को भी अपग्रेड करना और इम्प्रूव करना शुरू कर देगा।
जिसके बाद हर पल ये और एडवांस खुद ब खुद होता जाएगा। इसे टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी मतलब इंटरनेट और बाकी रिसोर्सेज के थ्रू खुद से सीखना। इसके बाद एआई जो करना चाहे वो कर पाएंगे, और सिर्फ वर्चुअली नहीं बल्कि फिजिकली एआई खुद मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बना रहे होंगे जो इन्हें रेप्लिकेट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा रोबोट्स बना पाएं। इस वक्त सच कहूं तो हमें अपनी ही धरती पर डर लगेगा। इसके बाद से हमारे बुरे वक्त शुरू हो जाएंगे। बदकिस्मती से ये एक डार्क फ्यूचर है जो होना बिल्कुल मुमकिन है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा कब होगा। तो कई फ्यूचरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ 50 सालों तक हो चुका होगा, पर क्या होगा जब कंप्यूटर्स इंसानों को ओवरपावर कर देंगे। तो एग्जैक्टली में ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। कई लोगों का मानना है कि जब ये अनकंट्रोलेबल होने लगेंगे तब हम आसानी से इन्हें स्विच ऑफ भी तो कर ही सकते हैं, तो इतनी सोचने की क्या बात है। इसी पर इस फील्ड के एक्सपर्ट निक बॉस्टम का कहना है कि जिस तरह हम किसी वेबसाइट या सिस्टम के थ्रू लूप होल्स पता कर लेते और फिर उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी तरह ये एआई इतने स्मार्ट इनफ तो होंगे ही कि हमारे बनाए गए सिस्टम्स में भी लूप होल्स निकाल ले। और इतने तेज होने के कारण एआई को किसी जिन की तरह अपने कैद में रख पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंस्टेड यहाँ पर दो चीजें होंगी। सबसे पहली चीज तो ये कि सुपर इंटेलिजेंस का जन्म होना हमारा अंत होगा। और दोस्तों ये मैं नहीं बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि जिस दिन एआई अपने पीक पर होगा उस वक्त इन्हें हमारी जरूरत नहीं होगी और हम खत्म हो चुके होंगे। और वहीं केस टू में ये होगा कि ये हमारे दोस्त बन जाएंगे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेवलप होंगे तो ये अच्छे काम के लिए इस्तेमाल में लाए जाएंगे या बुरे काम के लिए, ये किसी को भी नहीं पता। और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है। अगर ये अच्छे रहे तो हमें कई मेडिसिन का क्योर मिल जाएगा, कई डेवलपमेंट होंगे। वरना अगर 2017 में फेसबुक में जैसा हुआ आगे भी वैसा ही हुआ तो उन्हें कंट्रोल करना हमारे हाथों में नहीं होगा, क्योंकि उनमें भी इंसानों की तरह दो साइड्स होंगे और हमें उनका कौन सा रूप देखने को मिलेगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। पर वैसे अगर आपको नहीं पता कि 2017 में फेसबुक में क्या हुआ था जिसके कारण दो एआई को शटडाउन करना पड़ा था, तो ये अभी जानते हैं। वैसे उस वक्त में जो हुआ वो नामुमकिन सा था और हिस्ट्री में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था जब दो एआई आपस में बात करने लगे थे। दरअसल फेसबुक उस वक्त पर दो चैटबॉट्स बनाने में लगे हुए थे। हाँ, चैटबॉट वही जो आपको किसी चीज के लिए असिस्ट करते हैं या किसी एप्लीकेशन में आपसे बात करते हैं। उन्होंने दोनों बॉट्स का नाम बॉब और एलाइस रखा। पर यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि दोनों बॉट्स ने बड़े सरप्राइजिंग तरीके से आपस में बात करना शुरू कर दिया। जो उन्होंने बात किया वो किसी को भी समझ में नहीं आया, और बाद में इंस्पेक्शन में ये पता चला कि उन्होंने एक नई लैंग्वेज को डेवलप कर लिया था और इन चैट बॉट्स में एक अलग ही इंटेलिजेंस आ गई थी। इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट होने के कारण इन बॉट्स को आखिरकार शट डाउन करना पड़ा, वरना आगे चलकर ये शायद पूरे मैनकाइंड के लिए भी थ्रेट हो सकते थे। और ऐसे केसेस में वो हमारे एग्रीकल्चर लैंड को और ज्यादा रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के लिए खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई चीज उनके लिए यूजलेस होंगी। शायद इन्हीं सब वजहों से हमारे बीच जंग भी हो सकती है, और जैसा कि वो हमसे कहीं गुना ज्यादा समझदार होंगे तो अभी हम जिस फॉर्म में हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा उन पर कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल होगा। और फिर ऐसा तभी मुमकिन होगा जब हम खुद को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स कर लें, जिसका मतलब यही है कि उस सुपर इंटेलिजेंस से कम्पीट करने के लिए हमें साइबॉर्ग बनना पड़ेगा। पर आखिर साइबॉर्ग बनने के बाद हमें किन चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय।